देश में इस वक्त हरियाणा में हुई हिंसा, मुंबई में ट्रेन में हुई घटना और कई सारे अलग मुद्दों को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद के मलिक मुअत्तसिम खान साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आपने कई सारे मुद्दों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, सबसे पहला मुद्दा जो आपने उठाया वो मणिपुर हिंसा और साथ ही साथ हरियाणा हिंसा का है। आप लोग की टीम और एक डेलीगेशन भी गया था हरियाणा, क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा, क्या कहना चाहते हैं उस पर? जहाँ तक मणिपुर का मसला है उस पर हम ये बात साफ वाजे कर रहे हैं कि ये मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और हमारी यूनियन गवर्नमेंट की मुकम्मल तौर पे नाकामी है, वो फेल हो चुकी है। वहाँ जो कुकीज का, मैतीस का, नागास का जो इशू है, इसको वो जो हाई कोर्ट के एक फैसले से कि मैतीस को भी ट्राइबल्स में शामिल करने की बात, ये एक असल जड़ है। तो इस मसले को वहाँ की हुकूमत ने सही डील नहीं किया है, बात बहुत आगे बढ़ गई, वायलेंस हुआ, वुमेंस के एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो इस सब में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल, उनको सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए था, या फिर हमारी यूनियन गवर्नमेंट वहाँ के सीएम को सैक कर देना चाहिए था और वहाँ पर एक कोई एक सही माहौल लाते ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम ना होते। तो उस पर तो बहुत ही बुरा हुआ, देश बदनाम हुआ। इस्लामी हिंद मणिपुर सीएम के रिजिग्नेशन की मांग कर, वो रिजाइन करे या जो यूनियन गवर्नमेंट को सैक करे, ये तो डबल इंजन सरकार की बात हो रही थी, तो सिंगल इंजन नहीं डबल इंजन भी फेल हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो हम वहाँ की आवाम से तो मोहब्बत की, अमन की अपील करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट अब हमारे मुल्क में एक बोझ बन चुकी है। जहाँ तक हरियाणा की बात की आपने और नूह के फसाद की बात की, तो यात्रा निकालना, मंदिर को जाना, ये यहाँ के सिटीजन्स का राइट है, वो यात्रा निकाल सकते हैं, मंदिर को जा सकते हैं। यात्रा निकालने, मंदिर को जाने पर किसी कम्युनिटी को एतराज़ नहीं है, लेकिन यात्रा में तलवार ले जाना, पिस्तौल ले जाना, गन ले जाना और वो चैलेंज करना और उसको एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों की इंसल्ट करने का ज़रिया बनाना, ये असल मसला है। बात कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटी को इंसल्ट, तो इस जहां तक आप पहुंचे हैं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया इंसल्ट, क्या वजह, किस तरह, क्योंकि आपका डेलीगेशन वहां गया, किस तरह की चीज़ें आपने वहां देखी कि आप ये कहें? आपने देखा होगा वीडियोस में कि ये कहा जा रहा है कि हम आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, ससुराल आ रहे हैं, इस्तकबाल करें। और वो लोग हैं जो सब जानते हैं कि जो वो जुनेद और नासिर के वो खातिल हैं, वो हर जगह लोगों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम जुल्म सितम करने के लिए आ रहे हैं, या आपकी बहू बेटियों को, हम उनकी इज्जत को नीलाम करने के लिए आ रहे हैं। और ये बात हुकूमत को मालूम है, तो हुकूमत ने उनको रोका नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके सर आएगी, ये सवाल है। एक तरफ हिंसा और उसके बाद बुलडोजर एक्शन इस वक्त नू में हरियाणा के आसपास देखा जा रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या इसको वायलेंस जो वहां पर हुआ उसको जोड़ते हैं दोनों? बुलडोजर पॉलिसी तो हमारे देश में वो हमारे योगी बाबा ने शुरू की, बाद में वो मामा हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने शुरू की, अब हमारे चाचा यानी खत्तर वो शुरू कर रहे हैं। इसमें कोई इंसाफ नहीं है, ये तो आवाम को बताते हैं कि हमने जो लोग पत्थर बरसाए हैं, जबकि झूठ होता है, वो एक उनको घर बार को तोड़ने का, उनके मोरल को डाउन करने का और उनकी हिम्मत को ख़त्म कर देने का और उनको समाज में बेबस बना देने का ये प्लान है। इसमें कोई इंसाफ नहीं है, कोई यानी जो अगर इनक्रोचमेंट्स हैं तो दिल्ली में या मुल्क में कहाँ इनक्रोचमेंट नहीं है, इनक्रोचमेंट को ख़त्म करना चाहिए। इनक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए ये नूह के फसाद का इंतज़ार क्यों कर दिया गया? तो इनक्रोचमेंट कुछ नहीं है,
ये एंटी मुस्लिम और मुसलमानों के मोरल को डाउन करने और उनको उनके जीने की जो शक्ति है उसको ख़त्म करने की एक कोशिश का हिस्सा है। सवाल आपसे ज्ञानवापी पर है क्योंकि वो मुद्दा इस वक्त देश में हम देख रहे हैं, कई जगह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ज्ञानवापी में सर्वे लगातार चल रहा है और अभी जो तहखाना है ज्ञानवापी में उसको भी खोल दिया गया है, आज वहाँ पर भी सर्वे जो है वो होगा। इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? हालांकि कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है लेकिन जमात इस्लामी हिंद का क्या स्टैंड इस पर? जो वहाँ की लोकल कोर्ट थी, बाद में हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, अब उन सब ने ये कह दिया कि वहाँ ASI का सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे होना चाहिए। तो अब हम जैसे लोग बस यही कह सकते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो लीगल प्रोसेस का अब्यूज़ है, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 बनाया गया, उसमें ये बात तय है कि 15 अगस्त 1947 को जो चर्च, मंदिर, मस्जिद जिसका जो स्टेटस है उसको मानकर हम आगे बढ़े। अब हमारे देश की तारीख बहुत अजीम है, देश की तारीख में बहुत ग्रेव एरियाज हैं। अब उसमें कहीं पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की, या मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की, या बुद्धों के जो मंदिर होते हैं इबादतगाह उसको तोड़कर मंदिर बनाने की, ऐसी बातें हैं या नहीं है ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सर्वे को किस तरह से? सर्वे का मतलब ये है कि एक लीगल प्रोसेस का अब्यूज़ है और इससे देश में जो पोलराइजेशन पहले से हो चुका है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो लोग नफरत की सियासत करते हैं इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाएगा। राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ क्या कहेंगे इस पर? जी, राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ क्या कहेंगे? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपनी मंदिर को जाएं इबादत करें, मुसलमान मस्जिद जाएं इबादत करें, क्रिश्चियन चर्च जाएं इबादत करें, और जो कोई इबादत न करना चाहता है उसको भी आज़ादी है, तो अपने अपने मज़हब पर अमल करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे मज़हब की चीज़ों को बुरा भला कहना, उसको तोड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना या उनको दबाने की कोशिश करना ये गलत बात है। तो ये तो इसको बहुत ही कामन बात है। जी, मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ उसको किस तरह से जमात इस्लामी हिंद देखता है, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें उसको लेकर कही? हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो मुल्क में जो वातावरण है लिटरेचर से, बुक्स से, फिल्म से, सोशल मीडिया से, मैगजीन से, हेट स्पीचेस से, तो एक जहन ख़राब हो गया है। सबका नहीं हुआ है लेकिन कुछ लोगों का जहन ख़राब हो गया। जिम्मेदार कौन है? ये लिटरेचर कौन पैदा कर रहे हैं? ये फिल्म कौन बना रहे हैं? ये बुक्स कौन लिख रहे हैं? ये सेफ्रोनाइजेशन कौन कर रहे हैं? इसलिए किसी एक आदमी को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। एक ये विचारधारा है, ये मुल्क गांधी की विचारधारा पर चलेगा या ये मुल्क गोडसे की विचारधारा पर चलेगा, ये देश के लोगों का इम्तिहान है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देश के लोगों का इम्तिहान कि ये किसकी विचारधारा पे काम करेगा। और इस वक्त जमात इस्लामी हिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई सारे मुद्दों को उठाया और अपना स्टैंड इस पूरे मामले में क्लियर किया। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़ दिल्ली।